भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी मंगलवार को मनाया गया। गणेश चतुर्थी पर्व पर शहर के हर गली मोहल्ले में गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते नजर आए। पर्व को लेकर शहर के कई मंदिरों और गली मोहल्लों में भगवान गणेश की मूर्तियां शुभ मुहूर्त में स्थापित की गई। वहीं स्थापना के बाद अब अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बप्पा को पांडाल में विराजमान कर भव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी मंगलवार को मनाया गया। गणेश चतुर्थी पर्व पर शहर के हर गली मोहल्ले में गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजते नजर आए। पर्व को लेकर शहर के कई मंदिरों और गली मोहल्लों में भगवान गणेश की मूर्तियां शुभ मुहूर्त में स्थापित की गई। वही स्थापना के बाद अब अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बप्पा को पंडाल में विराजमान कर भव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंगलवार सुबह से ही 10 दिनों तक चलने वाली पूजा के लिए भगवान श्री गणेश के भक्त उनकी प्रतिमा को स्थापित करने में जुटे हुए नजर आए। बाड़मेर शहर में गणेश पूजा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर गणेश पूजा आयोजित की गई। वहीं काफी संख्या में लोग अपने घरों में भी गणेश मूर्ति स्थापित कर पूजा का आयोजन करते नजर आए। बाड़मेर शहर के पांचवती चौराहे के पास राय कॉलोनी स्कूल के पीछे पंडालों में शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई। यहां आगामी 9 दिनों तक गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं भक्तों की गली में भी श्रद्धालुओं की ओर से गणपति विराजित किए गए। यहां आयोजित हुई आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसी तरह शहर के गली गली और विभिन्न मोहल्लों में गणेश प्रतिमाएं विराजित की गई। गणेश चतुर्थी पर इस बार गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं स्थापित करने को लेकर लोगों में क्रेज देखा गया। ये गणेश प्रतिमाएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और यह विसर्जन के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। ये प्रतिमाएं जब तालाब में विसर्जित की जाएगी तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी और इसके अंदर रखे हुए बीज से बाद में पौधे उत्पन्न होंगे। विसर्जन से पहले प्रतिमा को पहनाई गई साज सज्जा को उतार लिया जाएगा। प्रथम पूज्य भगवान गणेश के उत्सव गणेश चतुर्थी पर पूरी थार नगरी मंगलवार को आतुर नजर आई।